अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहु। क़यामत की आखिरी निशानी क्या होगी कि उसके बाद क़यामत के मामले शुरू हो जाएंगे। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम होने से पहले मग़रिब की तरफ से ढाल के बराबर सियाह बदली तुलू होगी और आसमान की तरफ चढ़ती चली जाएगी, हत्ता कि तमाम आसमान पर छा जाएगी। फिर एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा, ए लोगों, अल्लाह का फैसला क़यामत के वक़ूअ का आ पहुँचा, अब तुम जल्दी ना मचाओ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, दो शख्स कपड़ा खरीदो फरोख्त के लिए खोलेंगे तो उसको लपेट ना पाएंगे, और आदमी अपने हौस की सीमेंट करेगा तो इससे पानी नहीं पी सकेगा, और आदमी अपनी ऊँटनी का दूध दोहेगा तो इसको पी ना सकेगा, कि इतने में क़यामत वाक़े हो जाएगी। ये क़यामत के मामले में एक सियाह बदली जो आसमान को तारीख कर देगी, इस ज़मीन में ये रिवायत जो आती है इसे इमाम तबरानी ने अल-मुअज्जमुल कबीर में रिवायत किया है, हदीस नंबर 899, और इमाम हैसमी इसे मजमाउज़्ज़वाइद में रिवायत करते हैं और कहते हैं कि रिजालुहु रिजालुन सहीहुन, और इसमें एक रावी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं और वो भी फ़िका हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सैयद साद क़ादरी।